फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनी ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आप लोग ठीक होंगे और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो फिर फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो कि मैं अभी भी अपने मायके में ही हूँ। हाँ, अभी भी मैं अभी मायके में ही हूँ। एक्चुअली लास्ट डे मेरी छोटी बहन अपने घर चली गई है, तो मैं भी कल ही चली जाती, मैं अपने घर लेके नहीं गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी पापा बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे अपनी छोटी बहन को, मिस लोनली फील कर रहे थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक दिन रुक जाती हूँ मिस मम्मी पापा के लिए। और मम्मी पापा मेरी ठम्मी मिस तीनों लोग मिस बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे कि रुक जाओ, दो दिन रुक जाओ। तो ऐसा था वैसे। तो आज सैटरडे है, तो आज मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि हमारे इधर ऐसा माना जाता है कि सैटरडे ट्यूसडे एंड थर्सडे को आना जाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं आज भी नहीं जा पाई अपने घर। तो कल जाऊंगी मैं अपने घर और आप लोग देख पाएंगे मेरी घर की वीडियो कल से। तो फिर फ्रेंड्स, यही है वो रूम जिस रूम में हम दो बहन इतने दिनों से एक साथ मिस रह रहे थे। तो अभी इस रूम में मिस मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ अपनी छोटी बहन को। मिस बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी, क्योंकि बहुत दिन रुके थे एक साथ हम दोनों बहन शादी के बाद। तो क्या ही बता, आप लोग समझ सकते हो। और फाइनली मैं कल जा रही हूँ मेरी घर, तो बहुत ज्यादा लोनली मिस कर रही हूँ। मैं सबको मिस कर रही हूँ, मम्मी पापा मेरी बहन मेरी फैमिली सबको, क्योंकि हम चारों ने मिलके ना बहुत ज्यादा मस्ती की थे। मीन्स एक एक दिन हमने बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट किए थे एक साथ बहुत दिनों बाद। तो इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा, मीन्स बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। वैसे तो कल मेरी छोटी बहन के घर में एक ओकेशन है, तो उधर मैं जाऊंगी, तो फिर से मैं अपनी बहन के साथ मिलूंगी। तो उसकी एक्साइटमेंट है, लेकिन फिर से मिस वैसे तो मेरे घर में मुझे सब प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। मीन्स मेरी घर में आई मीन टू मेरी ससुराल में मुझे प्यार नहीं करते, सभी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी होता है ना, मम्मी पापा बहन के लिए मिस मायके के लिए एक अटैचमेंट रह जाता है फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हो। तो इसीलिए मीन्स बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मीन्स आज से ही मीन्स ऐसा हो रहा है, बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही। तो कल जाऊंगी मैं अपनी ससुराल, तो कल से आप लोग देखेंगे मेरी ससुराल की ब्लॉग, मैं क्या क्या करती हूँ, मेरी बहन से मिलेंगे। मैं तो बहुत श्योर हूँ कि आप लोग बहुत मिस कर रही हो मेरी लवली लवली पेट्स को, हाँ है ना फ्रेंड्स। तो मैं भी कह रही हूँ, वैसे तो मैं हर रोज जाके मीन्स मैं अपनी पेट से मिलती हूँ, मेरी मम्मी पापा पैसेंजर सबसे मिल के आती हूँ, एक टाइम जाती हूँ। तो जाके रेबिट्स के जो मिस क्लीनिंग वगैरह होते हैं ना पेट्स के, सब कुछ मिस करके खाना वगैरह देके फिर मैं आती हूँ, एक ही बार जाती हूँ मीन्स। और बाकी का टाइम तो प्रसन्नजीत ही प्रोवाइड करते हैं फूड वगैरह, क्योंकि बार बार जाना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर फ्रेंड्स, चलिए आज के ब्लॉग हम शुरू करते हैं। और आज इस ब्लॉग में मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी मेरी अपनी ठम्मी को, आई मीन टू से मेरी ग्रैंड मॉम को। वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, उनकी एज 92 एंड अबव है, लेकिन अभी भी मीन्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मैं ब्लॉग कर रही हूँ। तो बहुत दिनों से बोल रही थी कि मुझे दिखाना ब्लॉग में। तो फिर फ्रेंड्स, चलिए देखती हूँ मेरी ठम्मी क्या कहती है और आप लोग भी मिल लीजिए। तो फिर फ्रेंड्स, इस तरफ है मेरी ठम्मी की रूम। ये जो रूम देख रहे हो, ये हमारा डाइनिंग रूम है, तो इस तरफ से है। और इस तरफ से एक रूम है जिस रूम में हम दोनों बहन एक साथ मिस रह रहे थे इतने दिनों से। ओ ठम्मी, ठम्मी तो सो रही है फ्रेंड्स। तो फिर फ्रेंड्स, ठम्मी तो सो रही है, तो इसलिए मैंने नहीं जगा। तो मैंने सोचा मिस किसी और दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं बहुत दिनों से बोल रही थी कि मुझे ब्लॉग में आना है, सबसे मिलना है, ऐसा बोल रही थी। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मेरी ठम्मी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ठम्मी को दिखाऊं और आप लोगों को भी मिस मिलके बहुत अच्छा लगेगा,
क्योंकि उनकी एज 92 एंड अबव है, आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया। इस एज में वो मीन्स इतना स्ट्रांग है और मीन्स इतना वो है, एक्साइटेड है ब्लॉग में आने के लिए, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन अभी सो रही है तो इसलिए मैंने नहीं चलाया। कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, जरूर मिलवाऊंगी मेरी अपनी ग्रैंड। और ये देखो फ्रेंड्स, ये एक रिचुअल है जो मीन्स हमारे शादी में मीन्स करते हैं हम लोग, मीन्स जो होते हैं ना मीन्स ग्रैंड पापा या ग्रैंड पापा के पहले के जेनरेशन, जो मीन्स जो लोग मीन्स अभी फैमिली मेंबर्स इस दुनिया में नहीं है, तो उनके लिए हम लोग पूजा करते हैं। और उसके बाद ये जो है गोबर टाइप का है, आई मीन टू से काउ डंग जो होते हैं वो वॉल में चिपकते हैं, तो इस तरह से हम लोग रख देते हैं। तो मेरी शादी के तो मीन्स 2 years and 5 months रनिंग, तो अभी भी है। तो जब भी मैं अपने घर आती हूँ ना और इसको देखती हूँ तो शादी की याद आ जाती है फ्रेंड्स। कैसे कैसे दिन बीत गया पता ही नहीं चला, वैसे वैसे करके 2 years 5 months रनिंग। तो ये है, ऐसा लगता है कि मीन्स वो दिन अगर फिर से आ जाए जिंदगी में, मीन्स वो पल मैं भूल नहीं पाती। सबके साथ ही ऐसा होता है स्पेशल मोमेंट, लेकिन लाइफ में तो एक ही बार आता है ना फ्रेंड्स। तो ये है, और इधर एक छिपकली है देखो फ्रेंड्स, भाग रहा है, मैं बात कर रही हूँ शायद डर गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, त्रिपुरा के छिपकली देखने में ऐसा होता है, लिजर्ड जो बोलता है। तो जब मैं पंजाब में थी ना, उधर की छिपकली लिजर्ड मीन्स देखने में अलग ही था, मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा मीन्स बिग बिग मोटा मोटा ऐसा था। तो आप लोगों के उधर लिजर्ड देखने में कैसा होता है जरूर बताना कॉमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक स्टेट में मीन्स हर एक प्लेस में लिजर्ड देखने की मीन्स देखने में अलग अलग ही होता है। पहले तो ऐसा लगता था जब मैं मीन्स त्रिपुरा में थी कि लिजर्ड सब प्लेस में सेम ही है, ऐसा नहीं है। पंजाब में मीन्स टोटली डिफरेंट है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि त्रिपुरा की लिजर्ड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फिर फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।